हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोट पेंट कैसे अपन चेंज कर सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो के अंदर। एक्चुअली क्या है, कई बार होता है कि आप लोग कहीं पे फोटो क्लिक करते हैं तो उसके अंदर कोट पेंट रिकमेंड होता है कोई फॉर्म के अंदर, और आप कस्टमर को बोलते हैं कि भाई कोट पेंट तो हमारे पास नहीं है, तो आप उसको फोटोशॉप में कैसे एडिट कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा आज। तो आज हमारे पास में है एक कोट जो कि आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे PNG कोट पेंट डाला है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के कोट पेंट निकल के आए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे है हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो। तो अब इसको अपन को सेट कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में देखना है। तो अपन को क्या करना है, फेस की जो है कटिंग करनी है ओनली, ये गर्दन की और फेस की। तो यहाँ से अपन इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में एज टू एज अपन को कटिंग करनी है, कोई चीज अपनी मिस ना रहे इसके अंदर। अपन को पूरा गर्दन का पूरा कटिंग करना है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने पेंसिल टूल से कटिंग करी है, आप P दबाएंगे तो आपके फोटोशॉप पे शो हो जाएगा, पेंसिल टूल है। और आपको स्पेस दबा दबा के इसको ऊपर लेके एडजस्ट करना है, ऊपर की कटिंग करनी है, नीचे की कटिंग करनी है, इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है फेस की। और पेंसिल टूल पे ही क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे अपन तो ये मैक सिलेक्शन आ जाएगा अपना। मैक सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पे अपने पास फेदर देनी है इसके अंदर अपन को 1.5, तो अपन ये फेदर दे लेंगे और अपन पासपोर्ट साइज फोटो में सेट कर लेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो की साइज जो है, अब पासपोर्ट साइज फोटो की साइज जो है वो 1.5 इंच और 2 इंच, और रेजुलेशन रहेगा इसका 300 जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सेट कर लिया है। अब ये जो फाइल है अपनी, इसको उठा करके अपन को यहां से लेके आना है। वैसे ही अपन को ये कोट की भी साइज अपन को फेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेनी है ताकि कुछ भी चीज छोटी बड़ी ना लगे। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेंगे। यहां पे आप Ctrl T करके एडजस्ट कर सकते हैं, Ctrl T करके एक छोटा बड़ा फोटो को या कोट को आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप लेयर पे क्लिक करेंगे और Ctrl T करके इसको फुल खींच लेंगे ताकि ऊपर से ये बराबर बैठ जाए। तो ये देखिए आप कितना सही ये बैठा है कोट पेंट यहाँ पे फोटो के ऊपर। और यहाँ पे अपन को नीचे जो माउस पे क्लिक है मेरा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक नई लेयर लेनी है बैकग्राउंड को अपन को। ये जो लेयर है इसको, जो अपने नई लेयर बनाई है इस पे क्लिक करना है अपन को। यहाँ से अपन को बैकग्राउंड लेना है, जो भी अपन को डालना है बैकग्राउंड। तो जहां जैसे अपन, ये मैं ब्लू बैकग्राउंड ले लेता हूँ, लाइट ब्लू, और इस लेयर को पकड़ के यहाँ पे मैं ले आऊंगा। तो ये देखिए आप, यहाँ पे मेरी पासपोर्ट साइज फोटो रेडी हो चुकी है। अब मेरे को इसको साइज देख के पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे को Ctrl A करके Ctrl Shift और E कर देना है, फिर Ctrl T करना है। Ctrl T करने के बाद में इसको थोड़ा छोटा कर लेना है फोटो को, Alt दबा करके E और फिर Alt छोड़ देना है और S दबा देना है। ये अपने पास स्ट्रोक आ गई। Ctrl A करना है, Alt दबाना है, E दबाना है, Alt छोड़ देना है, D दबाना है, ये पैटर्न आ गया अपना। उसके बाद में अपन को जैसे मान लीजिए 16 फोटो बनानी है या 8 फोटो बनानी है, अगर 16 फोटो बनानी है तो साइज लेना है अबे 6x8, 6x8 लेना है। शिफ्ट दबा के बैक स्पेस ये पैटर्न पे क्लिक कर देना है अपन को। यहाँ पे ये नई फोटो अपनी ओपन हो चुकी है, और ये देखिए आप अपनी 16 फोटो बिल्कुल तैयार हो चुकी है बिना कोई सेटिंग के, बिना कोई बटन दबाए। आपको इसमें जमाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सेट कर देनी है। तो देखिए ये फोटो थी ये, और अपन ने जो सेट करी है वो ये है। तो आप देख सकते हैं
दोनों में अंतर? तो इस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपन ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।